राम राम सारण है। स्वागत आप सबका फिर तुम्हारे एक और नए ब्लॉग में। और टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं, सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा रोटी सब्जी बर्तन सब कुछ सारा काम हो गया है। मैं फ्री हो गई हूँ और मेरी रात नमशादी में तो आपने देख लिया, पिछले ब्लॉग में हम लेट आए थे तो इस मारे पैकिंग नहीं हो पाई थी पूरी। ये मैं लाग रही हूँ पैकिंग करण, सारा सामान जो भी धरना है सारा सब कुछ धरन लाग रही हूँ। जल्दी जल्दी तो सारा सारा सामान उठा लूँ। और मन में समस्या हो रही है कि बेबी का जो पालना है ये गाड़ी में आवेगा अग नहीं आवेगा। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो समस्या हो जाएगी क्योंकि वह इसके बिना ना सोती, दिन में वह पूरा दिन पालने में सोए हैं। तो देखेंगे कोशिश करके। और मिस्टर नटखट जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ाने खातर, गोलू भी सोन लाग रही है तो इतना मैं पैकिंग कर दूँ हूँ। वो ट्यूशन पढ़ा कर आए पीछे, उनकी छुट्टी ना थी आज ट्यूशन की तो फिर उनके आए पीछे। फिर एक बार जाना हमने डॉक्टर के पास में, तो थोड़ी सी गोलू के ठंड लग गई थी तो इसका आज आज जाना है। फिर इसके बाद मैं ना दिखाऊँगी, आराम हो रहा है फिर मैं कहा आराम हुए पीछे, लेकिन लास्ट टाइम बाबत क्यों वो करा, बच्चा बीमार ना होगा बाद में तो यह लेकर जानी। इतना यहाँ उठेगी इतने मैं पूरी पैकिंग कर ली हूँ। और आपने देखा था मेरे बाल जो मैंने कर्ल करवा रखे थे तो बाल पूरे ख़राब हो रहे हैं, तो मैंने सिर धोना पड़ेगा इस मारे, ये भी सिर धोना पड़ेगा। तो मैंने पानी गर्म लगा रखा है, मैं सिर धो लूँगी नहा लूँगी, इतने वे आऊँगी इतने सारी पैकिंग कर लूँगी फिर उसके पीछे डॉक्टर के जाऊँगी। डॉक्टर के ताए पीछे इतने फिर भाई आ जाएगा फिर जाएंगे। तो ईब मैं तैयार हो ली थी, सारी पैकिंग वैकिंग हो गई, गोलू उठ गई थी घर ना कर फ्री हुई जब उस टाइम पर व्लॉग ना बना पाई मैं। अरे बम पहुंच गए डॉक्टर के, गोलू ने एक बार डॉक्टर के दिखा कर ना फिर फ्री होकर फिर घर ने जाएंगे, एक बार डॉक्टर के दिखा लेंगे। तो भाई डॉक्टर के तो हो गए थे फ्री, गोलू का है बोझ घना आराम ही, बताओ बस एक दो वो बांप देनी है और यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो रास्ते में दिख गया था हमने पिज्ज़ा आड़ा, भाई का पिज्ज़ा खाएंगे और इतने पिज्ज़ा बनेगा इतने ये जलजीरा पैक करवा लेंगे। पिज्ज़ा भी हमने पैक ही करवाया है, घर जाके खाऊंगे पूरी बेर भी खा लेंगे। तो लग रहा है पिज्ज़ा हूँ पैक, हम इतने पी लें एक कंचे की बोतल, किस किस ने पी है कमेंट करके जरूर बताइए कंचे की बोतल। तो ये था वो नींबू पानी, नींबू पानी भी पी लिया और मारा पिज्जा सिकंजी नींबू पानी वो है सारे समझ जाएंगे। नहीं भी देखो वेट करने लग रहे हैं, हमारा पिज्जा बन हो रहा है, पिज्जा और बर्गर हम नहीं आते भी। यार गोलू इतनी खुश हो रही है जो करता है पे पिज्जा खाओगे अपने दे। ये देखो एक बार इसकी ड्रेस देखो, ये देखो ये आज नई ड्रेस पहन रही है, छोटी छोटी जुत्ती इतनी प्यारी लग गए है। पिज्जा हमारा हो गया है पैक, अभी बर्गर बनाने लग रहे हैं, बर्गर और बन गए हैं। ये होली की पार्टी हमारी पेंडिंग रह रही थी तो घर जाकर होली की पार्टी करेंगे, पिज्जा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक सारी चीज़ें थे। और गाड़ी में है और फिर इतने घर ना जावांगे ना, घर जाते ही इतने मेरे भाई आ जाएगा फिर मैं जाऊंगी घर में, फिर मैं मायके जाऊंगी हैं, फिर मैं सोऊंगा मुझते। देखिए ये कितने राजी हो रहे हैं, वो कही हो एक बार, वो गाना गाई हो एक बार जो गाया करो, गाई हो मैं वीडियो बना दूंगा ना, गाई हो एक बार मेरे ये पुत्र खुश ही होना जितनी मेरे पहले रहा करती है। इसका मतलब हम ना जावे इसने बेबी की याद आओगी, बेबी की याद आओगी हमारे, इसका थोड़ा सा मुंह बढ़ रहा है ना, तो मैं जब घर ने जाया करते ना जब नाचा करते मेरी बीवी माई के गई हो गाना गा गा कर नाचा करते गति सही तरिया। तो ये हमारा पिज्जा हो गया है पैक, हम ले चल रहे हैं और चलो भाई जलजीरा बनवा रहा, जलजीरा बना रखा भाई ने एक नंबर का, क्या नाम भाई अपना? दीपक। यो भाई अगर अपने कदम उर्ली का ना रहे हो तो भाई का दीपक का जलजीरा जरूर पी के जाइयो। अपने लोकेशन बता दू, पीछे रेस्ट हाउस, ये महावीर लाइब्रेरी और ये इस तरफ कोर्ट की तरफ जावे हैं, तो यहाँ पे लगा रहे हो भाई। और कमेंट करके जरूर बताइयो बाद में यहाँ पे कौन कौन आया और उन्होंने कह काजू बादाम खा गया गोज उठी उठी दिखा के मे तो चल पड़ी है चलो चल। नानी के घर ने भी कहा जीना लग गया ना तो इतने ले आई कदे उड़े यार लसन डाल दिया कि डाल दिया याडे भी लसन है राडे भी हम करते तो चाल पड़े थे और फल फ्रूट लेने थे। मैंने इतना यूँ कही कि मैं भाई फल फ्रूट ले लिए बंद कर लेना ही नहीं, बड़क मचा रहा है इतनी देर हो गई जो गाने बजाना था इन्होंने रास्ते में रुक रही है, कुछ खाने पीने का ले लेंगे कुछ शायद बनवाओ
और एक बाट में खड़े हैं हम आज बहुत देखेंगे। आज गोलू पहली बार नानी के घर रुकने जा रहे हैं। आपने पीछे व्लॉग देखा होगा गोलू, उसमें गई थी नानी के घर, तो उसमें सिर्फ हम कार्ड देने खातर गए थे, एक घंटे खातर गए थे, जिन दिन में मिलने खातर थी गोलू अपनी नानी के घर रुकने जा रहे थे। तो देखेंगे नानी और मम्मी की के एक्सप्रेशन रहेंगे, वे कितनी खुश हो जाएंगे एकदम तदीर क्या ना गोलू में, और इसका जी लगेगा नहीं वो देखी जा रही। बाकी देखो गोलू में फर्क देखेंगे, ये भी जावा है ईद किसी है और आती है ना देखेंगे या किसी है देखेंगे ना नहीं कर पाई कि फर्क पड़ेगा। ई भी इसने बेरा पट गया गोलू ने, अब मैं जान लाग रही हूँ बाहर की गाड़ी में बैठी हूँ गाने बाज रहे हैं, तो एकदम तैयार उठ गई है देखो रास्ते में उठ गई है, देखो वीडियो बनती देखने क्योंकि चुप हो गए खेलन लग गई है, एकदम तो उठ गई है नींदा में से क्योंकि इसने बेरा पट गया कि फिर गाड़ी में चाल पड़ी है। ये देखन लग रही है एकदम तो तू कित कित जावा सारा दिन की गाड़ी में, क्योंकि पहले डॉक्टर के गए जब भी गाड़ी में गए थे री फिर गाड़ी में होगी, इन्हें गाने बाजते सुने आज पूरे दिन की। पता नहीं कैसे सोचने लग रही है मैचिंग सी होगी। यो देखो बाट देखे तक खटोले पपड़न की है टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं, हमने खाना पीना खा लिया है, गोलू सो गई है और अब रात का टाइम हो गया है और मेरा हो लिया जो बहुत तेज था सिर में दर्द, क्योंकि मैंने आज घने दिन में चश्मा लगाया आपने देखा होगा वीडियो में, तो मैं सो जाऊँ हूँ और गोलू अपनी नानी के घर रुकन आ गए कई दिन खातर, तो आपने डेली रूटीन बनाने की मैं कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग डालूँ। तो वीडियो किसी लगे आपने लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो, चैनल पर नए हो तो चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो और बाय बाय, गुड नाइट।